द फाइट सीन्स सेकेंडरी आता है मेरे लिए, एक्टिंग पहला आता है। क्या अजय देवगन चमक रहे हैं लेकिन बोनी कपूर जो है घर पर बैठ के रो रहे होंगे। OTT प्रॉब्लम है, पायरेसी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक्शन में कुछ नहीं है, डायरेक्शन में कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मुझे अच्छा लगा आप बोल रही है ना ह्यूज कमबैक ऑफ आयुष शर्मा, ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज देन आई एम श्योर यू अप्रिशिएट आर्ट। तो यही बात है, आयुष शर्मा हैज कम बैक इन अ बिग वे। आई लाइक हिज परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस हैज प्लीज्ड मी अ लॉट। हिज एक्टिंग, व्हाट आई सी इज एक्टिंग मैम, आई लव द एक्टिंग, द इंटेंसिटी। द फाइट सीन्स सेकेंडरी आता है मेरे लिए, एक्टिंग पहला आता है, सेकेंडरी फाइट सीन्स आता है, थर्ड कम्स टेक्नोलॉजी, फिर फोर्थ आता है नरेश, एंड अबव ऑल व्हाट इज बाप ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज नरेशन, द वे इट हैज बीन नरेटेड द एंटायर फिल्म, जैसा करके प्रेजेंट किया गया। शिशा मिश्रा इन दिस फिल्म, यस शी इज़ अ प्रॉमिसिंग गर्ल। फेवरेट पार्ट इज वेन शी गोज एंड शी डजंट बॉदर अबाउट हर सेल्फ, शी फाइट्स फॉर अ कंट्री, शी ट्राइज टू, शी बिकम्स अ हनी ट्रैप फॉर इन फ्रंट ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड मेलविन, ओके, सो टू कैप्चर द एक्चुअल मोटिव ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन, सो दैट इज वॉट इट इज, सो दैट इज वॉट आई लाइक अबाउट द, इनफैक्ट नॉट अबाउट हर द स्क्रिप्ट में वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विदाउट इवन केयरिंग फॉर अर सेफ्टी, विदाउट इवन केयरिंग फॉर दैट, वो बिकॉज शी वॉज देयर, शी प्लेड अ क्रूशियल पार्ट इन दैट फ्रेम, दैट पर्टिकुलर सीन वॉज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द फिल्म। ओके नाउ वॉट इट इज आई डोंट नो, आई विल नॉट टेल यू ऑल, इट विल बी अ स्पॉइलर, बट वो अच्छी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक अच्छी स्टोरी लाइन को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऑडियंस नहीं दिखी, उस बात का मलाल है, रहेगा। I don't like seeing people not coming out of their homes to watch movies. मुझे अच्छा नहीं लगता है। I don't know what is the problem. OTT problem है, piracy problem है, पता नहीं क्या problem. मैं नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सुपर डुपर हिट फिल्म है, अच्छी फिल्म है, 500 करोड़ करेगी, फिर किया कुछ और फिर मेरी खिल्ली उड़े आई जाएगी, तो I don't want that to happen. So I will. It is definitely a one-time entertainer. There is no two ways about it. Okay, it does not have a super wow factor, but yes, it is a one. But then you have to go and watch the film with a neutral frame of mind. आप अरे इसमें यार मेरा हीरो नहीं है, आयुष शर्मा इज नॉट माई हीरो यार, बट देन वो सोच के अगर आप जाओगे, पहले ही नेगेटिव सोच के जाओगे, तो आप कैसे एंटरटेनमेंट लोगे, हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट द एंटरटेनमेंट फैक्टर आउट ऑफ इट अनलेस अंटिल यू गो विद अ न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड। देखो एक्शन में कुछ कमी नहीं, एक्शन एक नंबर है, एक्शन में कुछ नहीं है, डायरेक्शन में कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और जो इसके जगपति बाबू है, और पहली बार जो कि इसके अंदर कुछ जापान के कुछ लेकर के कहानियां बनाई गई है, स्टोरी इनको पकड़ नहीं पाए और कुछ ऐसे सीन नहीं दे पाए कि ऐसे वो सीन आपको बताया जाए कि पब्लिक आओ ये मूवी देखो, जैसे हम लोग चिल्ला चिल्ला के मैदान को बोले चार चार स्टार दिए, अभी भी चमक रहे हैं, क्या अजय देवगन चमक रहे हैं लेकिन बोनी कपूर जो है घर पर बैठ के रो रहे होंगे, ठीक है मैं तो बोल के थक गया, मत रिलीज करो, मेरी क्या गलती। देखो उन्होंने भी दीपिका पादुकोण के जैसा लात मुक्का हाथ चलाया है, मतलब पठान में जैसे दीपिका पादुकोण ने मस्त में फाइट किया था, वैसे इसमें भी की है, कोई कमी नहीं है। ये है कि मैंने आपको बता दिया, जैसे हॉलीवुड की मूवी जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी है, सेम उसका थोड़ा निकाल करके मिला करके, फिर बॉन्ड और 3-3 आई थी जितेंद्र की उसका, फिर सुरक्षा मूवी का जीते मिथुन चक्रवर्ती का, सबका मिला जुला करके ये पूरा का पूरा मतलब रुसलान तैयार किया। हाँ वन टाइम वॉच है, जो एक्शन मूवी देखने वाले जो बच्चे लोग हैं या फिल्मी लवर हैं मेरे जैसे पागल, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले, उनके लिए ठीक है। हाँ ये है, अगर वो जो है मैच देख रहे होंगे तो शाम को देखो, सवेरे इनको दे दो, देख लो भाई, कम से कम नहीं चलेगी तो एक बार तो देख लो, एक क्योंकि एक दिन का मेहमान, एक एक